पहला जो मेरा कमेंट है ये है कि जिन भाईसाओं के पार्सल नहीं पहुँचे हैं वो ज़रूर मुझे मैसेज करें कि जीजा पार्सल लगाया या नहीं लगाया, क्योंकि पीच ये येलो और ये खमा गणिसा, स्वागत है ममता तंवर के ब्लॉग में। कैसे आप सब, आई होप ठीक होंगे। तो गाइस मैं भी ठीक हूँ और कानू भी आज तबीयत ठीक है। वैसे कल खांसी जुकाम बुखार ऐसा हो रहा था तो दवाई देने से बिल्कुल अभी ठीक है, सो रहा है वो। तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ, काफ़ी भाई साहब लफ्फे के सूट मंगाए थे और पेवर के भी। तो देखो रूप रानी के जाती हूँ तो क्या ये टाइम हो गया है, अभी 3:30-4 बज गए हैं। तो फ्री मैं अभी हुई हूँ, आज लेट हो गई थी क्योंकि इसको नहलाया अभी, कल 2 दिन से नहलाया भी नहीं था और फिर और भी काम वगैरह हो गए थे तो इस चक्कर में मैं कुछ नहीं कर पाई। तो मैं अभी जा रही हूँ और फिर पार्सल भी पैक किए थे मैंने 2-4, तो अभी मैं जा रही हूँ वो लफ्फे के सूट लेने के लिए रूप लक्ष्मी की शॉप पे। तो अगर देखते हैं, अगर आपको कुछ नया होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं होगा तो और लफ्फे में भी बता दूंगी कि भाई ये सूट बच रहे हैं। तो चलो चलते हैं। आज ये सूट काफ़ी दिन के बाद में सिल तो आ गया था गाइस, अभी ओढ़नी इस पर मिली नहीं थी तो मुझे इस सूट के ऊपर ओढ़नी भी लेके आनी है, तो इसलिए पहन के ही जा रही हूँ मैं ये सूट। मैंने कहा ऐसे तो रोज़ भूल जाती हूँ, तो ये बहुत मतलब वैसा कपड़ा तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा सिलने में बहुत दिक्कत आती है इस कपड़े के अंदर, टिश्यू वगैरह क्या बोलते हैं इसको वो है। तो अच्छा है सूट तो वैसे साइनिंग वगैरह अच्छे से। अभी चलते हैं पेवर में क्या क्या कलेक्शन है, उधर मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ ये मैं आपको आगे मिलती हूँ। अभी मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ, क्या क्या करने जा रही हूँ। तो चलो वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है गाइस। बट वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, पता नहीं क्यों, ये तो मुझे भी नहीं मालूम आप क्यों नहीं करते। काफ़ी भाई साहब बिगर सब्सक्राइबर ही भेजते हैं मेरे को, ये है क्या, ये है क्या, ये आधे से ज़्यादा लोग बिगर चैनल सब्सक्राइब मुझे फ़ोटो भेजते हैं मेरी खुद की कि भाई साहब ये मिल जाएगा कि ये मिल जाएगा क्या। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिखाएंगे, क्योंकि मेरे अभी शादी आ रही घर में तो मैं खुद वेट कर रही हूँ कि कुछ अलग आए, नया आए, हटके आए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तभी आपको देखने को मिलेगा और रोज़ वीडियो देखा करो। काफ़ी भाई सब पूछते हैं कि इसमें कलर है क्या, कलर है क्या, तो कभी मैं कलर नहीं डाल पाती हूँ कभी कोई वीडियो के अंदर, तो उस अगले वीडियो में भी मिल जाते हैं वो कलर सारे, क्योंकि कभी कभी शॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो और मुझे भी कुछ जल्दी रहती है, बस आप लोगों के सूट लेके ही मैं आ जाती हूँ जो मैं घर पे दिखाती हूँ कि भाई मैं ये सूट लेके आई हूँ। तो अगला वीडियो भी जाके देख लिया करो, उसके अंदर कलर वगैरह सब मिल जाएंगे सारे सूट के, और जो मैं लेके आती हूँ उसमें सारे मिलेंगे। जो मैं ये बोल देती हूँ कि अब नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो मिलेगा। तो चलो गाइस, जो मैंने कल सूट पहना था उसके भी ऑर्डर हैं 3-4, तो मुझे वो सूट भी लेके आना। मैं सोच रही हूँ स्कूटी से चली जाऊँ बट मेरे को कानों को लेके जाना पड़ेगा तो इसलिए मैं स्कूटी से तो नहीं जाऊँगी। अभी देखते हैं किससे चलते हैं या गाड़ी से जाते हैं, कुछ नहीं पता, ठीक है गाइस। ये उठाई गाइस गाड़ी, साहब जी बोल रहे हैं कि स्कूटी से चली जा जल्दी आ जाएगी। कानू सो रहा था, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक ना हो रही, कहाँ लेके जाएगी उसको गाड़ी के अंदर। मैंने कहा चलो ठीक है। लो जी पहुंच गए हैं शॉप पे, ये वाइट आ गया है, अब इसमें कलर बताएंगे, वो तारी का काफ़ी डिमांड था ना वो वाला। लो जी सूट दो, कहाँ गए वो, कोई भी नहीं है क्या यहाँ पे? एक तो ये मगजी के लिए आई हूँ मैं, मेरी है ना ये दो, तो इसके लिए या भी भूल ही जाती अभी भी मैं, और एक इसी का ही पर्पल दे दो आप एक सूट और, यही एक तो दे दो अगर फिलहाल है तो। इसके कलर पीच ये येलो और ये हैं वो तारे वाले, और इसके कलर ये येलो पीच और ये। ये कितने की है?
ये देखो डब्बी में नया कलर चला था। ये लो जी चांदी के वर्क में है, ये ओढ़नी है पर्पल कलर के और ये चांदी का, चांदी का काम थोड़ा हैवी आता है ना थोड़ा सा, तो ये 7,500 रुपए की है। ये भी 7,500 की है, ये 4,300 रुपए की है, ये 6,500 की है, ये भी 6,500 की है और ये भी 6,500 की है और ये भी 6,500 की है। गाइस मैं जो सूट लेने आई थी वो मिले नहीं है और ये थोड़ी सी झलक हमारे पोस्टर की। अब चलते हैं घर की तरफ। एक ये इलायची का क्या छोटी छोटा काम है इसके अंदर, चमक का। अच्छा ऐसे क्या चमक। एक ये बचा है और एक ये बचा है। ये कलर भी अच्छा है, लाइट कलर, ये भी बच रहा है। ये सूट लेने आई हूँ मैं, एक लफे लेने आई हूँ। बहुत नहीं सच्ची में अच्छा कलर लग रहा है लाइट। उसके वो नीचे निकल गए, वैसे तो नहीं है ना ये वाला। ये हो गई शॉपिंग। आज तो मैं एक दो सूट एक्स्ट्रा भी लेके आई हूँ, मैं आपको घर जाकर बताऊँ क्योंकि अब शॉप पे नहीं है गाइस, जो लोग आए हैं वो लेके जा रहे हैं। तो गाइस मैं अब आ गई हूँ लाल मंदिर, स्कूटी से आई हूँ गाइस। तो अब यहाँ से पी लेते हैं चाय पानी, फिर निकलते हैं घर की तरफ। तो उसका दर्द मिट जाए, थकान मिट जाती है। भैया जी की ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है मुझे। हैप्पी दिवाली कानू जी। इस रात हो गई, चलते हैं घर। हाँ साइकिल पे है ना, देखो नैन का पापा को नैन गाड़ी पे जा। मैं खुद स्कूटी पे भागी दौड़ रही हूँ, स्कूटी बाइक वैसे सही है। कहाँ गई है तुम्हें, देखो छोक के चला जाता हूँ। बार बार भूखी भूखी दूध पिया था, दूध पिया था क्या, दूध पिया था नहीं। तो गाइस मैं अब आ चुकी हूँ घर पे। घर पे आके पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पहला जो मेरा कमेंट है ये है कि जिन भाईसाओं के पार्सल नहीं पहुँचे हैं वो ज़रूर मुझे मैसेज करें कि जीजा पार्सल लगाया या नहीं लगाया, क्योंकि गाइस लफ्फे के सूट मेरे काफ़ी ऑर्डर पे थे, उसमें से एक दो सूट एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि भाई किसी ने पेमेंट डाल रखा हो मुझे और मैं उनके पार्सल नहीं लगा पाई हूँ, तो एक बार कृपया करके मुझे मैसेज ज़रूर करें कि जीजा आपने पार्सल लगा दिया क्या या नहीं पहुँचा, क्योंकि आज पार्सल हम सबके निकल गए हैं। क्योंकि इतने दिन से छुट्टी थी तो लफ्फे के सूट में शॉप के ऊपर कोई भी स्टॉक नहीं है, एक दो सूट मैं फालतू ले आई हूँ। अगर आप किसी को चाहिए तो वही कलर मिलेगा, एक तो मिलेगा गुलाबी, एक मिलेगा चिकू सा, मतलब ये वाला। ठीक है गाइस, तो मैं अब लफ्फे के सूट दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये मतलब ये स्टॉक बचा है, एक तो ये कलर बचा है और एक ये कलर, और एक वो फ्रोजी वाला कलर बचा है, फ्रोजी का सूट ये है। ये अभी काफ़ी भाईसाओं ने कल परसों भी यही ऑप्शन है, अब पता आए या ना आए ये अभी कंफर्म नहीं है भाई, आ भी जाए नहीं भी आए, आए तो कोई दूसरा डिजाइन आए, क्या पता नहीं कोई कैसा डिजाइन आए, और नहीं भी आए और कुछ भी नहीं पता अभी तक देखो। तो उसके बाद में ये है लाइट सा कलर, ये कलर, और ये किसी ने 3 मीटर का है, ये 3.5 साढ़े 3 मीटर है, तो इसमें है गाइस 3.5 मीटर। ये ग्रीन ये एक ही था, किसी ने भाई साहब ने ये ऑर्डर कर लिया था पहले, तो कोई होगी मतलब उनके बन जाएगा, तो इसके साथ में मगजी है, थोड़ा एक्स्ट्रा मगजी है तो वैसे भी सिल जाएगा फिर ये। ठीक है, तो उसके बाद में फिर ये किसी भाई साहब ने ये ऑर्डर किए हैं, इसका फुल स्टॉक है, इस सूट का फुल स्टॉक है, सारे कलर हैं, 2 सूट ऑर्डर किए हैं ये, एक ये रहा और एक ये रहा। इतना मेरे पास टाइम नहीं था गाइस जो मैं आप लोगों को और भी दिखाती, क्योंकि छोटे छोटे दिन हो गए हैं अब, पता नहीं इतने छोटे दिन हो गए, बहुत ज़्यादा छोटे दिन हो गए, जो एक जाओ फिर काम करो फ्री हो और फिर जाओ, इतना ही टाइम रहता है। ये गुलाबी कलर, ये चीकू कलर के हैं, तो आपको चीकू कलर के 2 सूट मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ, तो आप कोई भी ऑर्डर कर सकते हो, ये मिल जाएगा दुकान पर, अब कोई कलर नहीं।
ठीक है गाइस, उसके बाद में है ये, और फिर पेवर के सूटों का, एक पेवर का सूट ऑर्डर किया था मेरा। इसके अंदर गाइस कलर मुझे मतलब सूट लेने गई थी, ये वाला डिज़ाइन है, बहुत अच्छा प्यारा कलर है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। ये सूट लेने गई थी मैं, तो इसके अंदर इस सूट के अंदर वो दूसरे डिज़ाइन है ना, उसके अंदर लेने गई थी, वो डिज़ाइन अभी नहीं है। इस डिज़ाइन के अंदर आपको सारे कलर मिल जाएंगे, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, मैं खुद सिलवा के आई हूँ इसी डिज़ाइन के अंदर, सलेटी कलर का सिलवा के आई हूँ। अब वो सील के कब देंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, इस डिज़ाइन के अंदर और इसके अंदर बहुत प्यारा लग रहा है ये, और कपड़ा भी आप देख रहे हो शाइनिंग वाला कपड़ा दिख रहा है ना। तो ये सूट है, और चूड़े अभी गाइस आए नहीं है, जिन भाई साहब ने ऑर्डर कर रखे हैं तो प्लीज़ दो दिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पार्सल ही नहीं आ रहे थे, मार मार के मेरे ओढ़ नहीं उतार पाए, तो दो दिन लेट आएंगे पार्सल हमारा, तो आपको दो दिन और वेट करना पड़ेगा चूड़े के लिए। काफ़ी भाई साहब ने चूड़े 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 के लिए बोल रखा है, तो वो दो दिन बाद में मिलेंगे। तो अब इनके पार्सल पैक कर देती हूँ, क्योंकि अर्जेंट में, क्योंकि 5-6 दिन तो वैसे ही हो गई, और अभी शादियाँ आ रही है, तो इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी कर रहे हो, तो जल्दी के बाद में जल्दी जल्दी नहीं होएगा। जिन भाई साहब को भी ऑर्डर करना है फटाफट करें, क्योंकि फिर सिलाई नहीं होगी, अगर कोई सिलाई के लिए बोलेगा, और फिर पार्सल के बीच बीच में छुट्टियां भी आ जाती है गाइस, तो इसलिए नहीं जा पाएगा आपका पार्सल, तो फटाफट से ऑर्डर करें। और क्योंकि मैं भी शादी में जाऊंगी, फिर 15 तारीख की शादी में मैं भी जा रही हूँ, तो आप शादी में जाओगे तो मैं भी शादी में जाऊंगी, तो मैं भी कुछ वही आपकी तरह कुछ नया नया ढूंढती डोलती हूँ, कुछ नया आ जाए नया आ जाए, नए के चक्कर में कभी पुराने भी खो दूँ, तो ये वाला हाल है। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, और लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन भाई साहब ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, जब तक कि मिलता रहेगा जहाँ जहाँ, और अभी शादियाँ आ रही है हमारे भी, तो हमें भी कलेक्शन इकट्ठा करना है और अच्छे डिज़ाइन इकट्ठे करने हैं, इसलिए ठीक है। तो अभी इनको सबको पार्सल कल पेवर वाले भी हैं, ये सारे देखो, ये एक तो ये रहा, इस डिज़ाइन में नहीं है गाइस, मैं डिज़ाइन दिखा देती हूँ आपको, इस डिज़ाइन में ये किसी ने ऑर्डर कर रखा था, मगजी बनने के लिए दिखाई थी मैं, तो उनकी मगजी बन के आ गई है, तो ये पार्सल में लगा है, ये मगजी ऐसे उन्होंने बनवाई थी, तो ये मगजी बन के लेके आई हूँ, ये वाले डिज़ाइन में नहीं है गाइस, ठीक है, ये कलर नहीं है। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, अगर पसंद आ रहा है तो आप मंगा सकते हैं, पोशाक की रेट मैंने बताई दी है, पोशाक का भी मतलब कलेक्शन इतना नहीं है, क्योंकि पोशाक थोड़ी हैवी मिलती है, और मेरी जो ऑडियंस है उन जो मतलब उनको भाई 4-5 में ऐसे में चाहिए, वो मैं भी जान सकती हूँ गाइस, इतने पैसे देखो कोई वेस्ट नहीं कर सकते, नहीं मैं भी जानती हूँ, मैं खुद लेने जाऊँगी तो मैं भी सोचूंगी 4 बार की, यार 6-7 हज़ार रुपये की पोशाक लेंगे तो नहीं, हाँ 4-5 तक चलती है लोगों को पोशाक, बट अभी और अभी तो आपको नॉर्मल रेंज मिल रही है, लेकिन शादी में के टाइम में जैसे अभी नवंबर जैसे सावन खत्म चल हो जाएंगे ना, आपको डबल रेट मिलेगा, ये है आज का स्वीट। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग।